नमस्कार, बीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज संजय राउत की हिरासत अवधि होगी समाप्त, ईडी संजय राउत को आज फिर करेगी अदालत में पेश। शिवसेना प्रमुख उद्धव का बीजेपी पर निशाना, कहा नए सिरे से पार्टी को खत्म करने की जा रही साजिश। कांग्रेस कार्यालय, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवासों के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। नेशनल हेराल्ड मामले में 16 जगहों पर ईडी ने की छापेमारी। विस्तार से कथित पात्रा चौल घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद शिवसेना नेता संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रखा गया है। आज उस हिरासत की अवधि समाप्त हो रही है। ईडी उन्हें आज फिर से अदालत में पेश करने जा रही है। इस बार पूरे राज्य का ध्यान इस बात पर है कि ईडी उन्हें फिर से हिरासत में ले पाती है या उन्हें जमानत मिलती है। संजय राउत ने पात्रा चौल घोटाले से मिले पैसों का इस्तेमाल अलीबाग के किहिम बीच स्थित 10 प्लॉटों को खरीदने में किया। आवश्यक राशि प्रवीण राउत ने संजय राउत को दी। ईडी ने स्पष्ट किया है कि संजय राउत के भाई प्रवीण राउत गुरु आशिक कंस्ट्रक्शंस के निदेशक है और वो इस मामले में मुख्य आरोपी है। ईडी ने कथित पात्रा चौल घोटाले के सिलसिले में मंगलवार को मुंबई में भी 2 जगहों पर छापेमारी की। ये भी स्पष्ट किया गया कि इन 2 परिसरों में से एक में फर्म हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के कैशियर का आवास शामिल है और दूसरा परिसर कंपनी का है। नगर आयुक्त राधाकृष्णन बी ने सीमेंट सड़क निर्माण के लिए मोक्षधाम चौक से बस स्टैंड चौक तक यातायात को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है। नागपुर नगर निगम द्वारा सीमेंट कंक्रीट रोड परियोजना के तहत मोक्षधाम चौक से बस स्टैंड चौक तक सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अनुसार मोक्षधाम चौक से डालडा कंपनी चौक तक दोनों ओर का मार्ग 31 सितंबर 2022 तक यातायात के लिए बंद रहेगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए नए सिरे से साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले हमें विभाजित किया गया और अब नए सिरे से खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी को पहले भी विभाजित करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन इस बार नए सिरे से पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उद्धव ठाकरे ने यहाँ अपने आवास मातोश्री में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। दरअसल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले एक धड़े में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में हालिया राजनीतिक संकट के मद्देनजर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिकाओं में उठाए गए कुछ संवैधानिक सवालों को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रतिद्वंदी गुट से बुधवार को नए सिरे से जवाब दाखिल करने को कहा। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
बाद आप सबका फिर से स्वागत है। चंद्रपुर के आजाद बाग नवसुंदर उद्यान की पार्किंग में लात घूसों से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में बहुत ही छोटी लड़कियों ने एक दोस्त को बुलाकर बात की और बाद में आपस में ही हाथापाई शुरू कर दी। ये पूरा परिसर बड़ा बिजी माना जाता है। इस परिसर में ये घटना होने से कईयों ने इसका वीडियो बनाया और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चंद्रपुर के आजाद बाग में लड़कियों का आजाद फ्री स्टाइल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस नए खूबसूरत बगीचे की पार्किंग में हुआ लाता घूसों का झगड़ा कैमरे में कैद हो गया। इन युवतियों ने एक दोस्त को पूछताछ के इरादे से पार्किंग में बुलाया। वीडियो में बात कम और झगड़े ज्यादा है। ऐसे में एक सवाल सबके मन में आता है कि क्या लड़कियों के माता पिताओं को ये बात पता है कि इनकी लड़कियां बाहर जाकर क्या करती है। फिलहाल ये महिला WWF सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रही है। शुभम मेरा कुछ है नहीं करती, तो पहले बोल दो मेरी बात को भी तो कर। तेरा नहीं मैं को बोल मैं तो कर नहीं करती। मैं सब भी तेरा हालात में मिलने क्यों गई थी? तू गई थी बोली? मैं तो गई थी। छोड़। मैं तो गई थी। छोड़। नहीं तो करेंगे। छोड़ छोड़ संसार से मत छोड़ बेटा। तन्नू तू भी पिटेंगी। हां तन्नू भी है तेरे, तू भी पिटेंगी। क्या हमें गई बता रही? मैं तो घर पे तमाशे कर रही हूं। मैंने तेरा को क्या बोली थी? फोन करूंगी तुम्हें। फोन बेचारी को सब मारेंगे। कांग्रेस कार्यालय और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवासों के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। साथ ही राहुल गांधी भी कर्नाटक दौरा छोड़कर वापस आ गए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में 16 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है, जिससे अब मसला उलझ गया है। फिलहाल ईडी ने नेशनल हेराल्ड के ऑफिस को सील किया। 5 अगस्त को महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी विरोध से पहले ये भाजपा की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। नागपुर में एक युवती को नशीली दवा देकर उसके साथ रेप करने की घटना सामने आई है। सेना में वरिष्ठ अधिकारी होने का दावा करते हुए नागपुर के एक व्यक्ति ने अमरावती की एक लड़की को प्रेम जाम में फंसाया। उसके बाद लगातार 3 दिनों तक युवती के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता को आरोपी की साजिश का पता चलने पर अमरावती में शिकायत दर्ज कराई गई। नागपुर में एक युवती को नशीली दवा देकर उसके साथ रेप करने की घटना सामने आई है। पीड़ित लड़की को आरोपी ने पिछले महीने की 22 तारीख को नागपुर में बुलाया था। उस समय उसने पीड़िता को कहा था कि मैं सेना में एक वरिष्ठ अधिकारी हूँ और पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के होने का बहाना करके पीड़िता को सीधे एक होटल में ले गया। वहाँ कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सेना में वरिष्ठ अधिकारी होने का दावा करते हुए नागपुर के एक व्यक्ति ने अमरावती की एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद लगातार 3 दिन तक उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता को आरोपी की साजिश का पता चलने के बाद अमरावती में शिकायत दर्ज कराई गई। हालांकि घटना का मूल स्थान नागपुर था, इसलिए शिकायत नागपुर के सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी अर्जुन कामले उर्फ शिव कदम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कल दोपहर मौदा में 2 युवकों की कन्हा नदी में डूबकर मौत हो गई। दोनों युवक किसी निजी काम से मौदा गए हुए थे। नदी के पास से गुजरते समय दोनों को नदी में नहाने की इच्छा हुई, लेकिन नदी का जल स्तर ज्यादा होने की वजह से वो पानी में बह गए। रेस्क्यू टीम के अथक प्रयासों से दोनों के शव को ढूंढा गया। घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर चिकना घाट पर दोनों के शव पाए गए। कल दोपहर 2 युवक कन्हा नदी मौदा में नहाने गए थे, जिनकी नदी में डूबकर मौत होने की घटना सामने आई थी। 25 वर्षीय राहुल ठुमरे और 27 वर्षीय उमेश ठाकरे मृतकों के नाम है। दोनों किसी निजी काम से मौदा गए थे, लेकिन नदी को देखते ही दोनों को नदी में नहाने की इच्छा हुई, लेकिन नदी तल की गहराई का अंदाजा न होने के कारण दोनों नदी के पानी में बह गए। घटना का पता तब चला जब दोनों के कपड़े नदी के एक किनारे मिले। रेस्क्यू टीम की मदद से नदी में दोनों की तलाश युद्ध स्तर पर शुरू की गई। तलाशी अभियान कल देर रात तक चला, लेकिन रात होते ही तलाशी अभियान रोक दिया गया और सुबह फिर से तलाशी अभियान शुरू किया गया और दोनों के शव घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर चिकना घाट पर पाए गए। तो VKB न्यूज के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।